हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र प्रसाद। आज फिर एक इतिहास के नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और टॉपिक है गुप्त काल। गुप्त काल के अंतर्गत हम इसके विभिन्न पक्षों को अलग अलग बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। और अगर गुप्त काल के पहले के राजवंशों के बारे में थोड़ा चर्चा करें तो मगध साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य का पतन होने के बाद में जो मौर्योत्तर काल आता है उसके अंतर्गत हमने पिछली क्लासों के अंतर्गत चर्चा की कि भारत में कुछ बाहरी शक्तियां आती हैं और कुछ आंतरिक शक्तियां हैं जो मौर्योत्तर काल में अलग अलग जगह के ऊपर अपने साम्राज्यों की स्थापना करती हैं और काफ़ी लंबे समय तक इनका शासन संचालन है वो चलता रहता है। लेकिन बाद में जब कुषाणों का पतन हो जाता है और भारत में जो छोटी छोटी शक्तियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं तो फिर पाटलिपुत्र को केंद्र बना करके एक नई सत्ता के रूप में गुप्तों का उदय होता है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे गुप्त काल के बारे में। टॉपिक है गुप्त काल और इसके अंतर्गत हम लोग इसको अलग अलग बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। जैसे पहले हम थोड़ा सा इसका परिचय देखेंगे। नंबर दो के अंतर्गत जो गुप्त काल की जानकारी के स्रोत हैं, जानकारी के स्रोत उनके बारे में देखेंगे। नंबर तीन के अंतर्गत जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में देखेंगे और शासकों की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, परिचय देखेंगे। जो इस राजवंश की जानकारी के स्रोत हैं उनके बारे में देखेंगे, गुप्तकाल के बारे में, और जो प्रमुख शासक हैं जैसे समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है, इनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बारे में अगर बात करें उसके बाद में हम लोग जो गुप्तकालीन संस्कृति है, गुप्तकालीन संस्कृति उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और गुप्तकालीन संस्कृति के अंतर्गत हम लोग इस समय का जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक जीवन उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जो इस समय की धार्मिक दशा है या धार्मिक जीवन है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इस समय का जो आर्थिक जीवन है उसके बारे में देखेंगे। आर्थिक जीवन के अंतर्गत ही हम लोग इस समय का जो व्यापार वाणिज्य है उसको देखेंगे। इस समय जो सिक्के प्रचलित थे उसको देखेंगे और सिक्कों के साथ साथ में जो इस समय हमें भूमिदान देने संबंधित जो जानकारी मिलती है, क्योंकि भूमिदान देने का जो प्रचलन है वो सातवाहन काल के अंदर ही शुरू हो गया था, कुषाणों के अंतर्गत भी ये प्रथा चल रही थी और गुप्त काल में क्या है ये भूमिदान की जो प्रथा है ये आगे बढ़ जाती है, काफ़ी बड़े स्तर पर दिए जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस समय की जो कला और संस्कृति है, कला व संस्कृति उसके बारे में देखेंगे और कला संस्कृति के अंतर्गत हम लोग इस समय का जो साहित्य है, जो रचनाकार हैं जैसे मान लीजिए कालिदास जैसे विद्वान जो इस समय हुए थे उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और अन्य जो साहित्यकार हैं या जो लेखक हुए हैं इस समय उनके बारे में हम लोग देखेंगे। विज्ञान व तकनीक इसके बारे में हम लोग देखेंगे और कला संस्कृति के अंतर्गत ही हम लोग इस समय जो मंदिर निर्माण होते हैं, मंदिर निर्माण शैली या फिर कह सकते हैं इस समय का जो स्थापत्य है, स्थापत्य कला उसके बारे में देखेंगे। ठीक है,
यानी अलग अलग बिंदुओं के आधार पर जो गुप्त काल है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और जो अन्य बिंदु है, जैसे इस समय की जो भू राजस्व व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था जो इस समय की है उसको देखेंगे, कर जो इस समय लिए जाते थे उनके बारे में देखेंगे, और जो प्रशासन इस समय था या प्रशासनिक ढांचा इस समय का जो बना था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, जब अलग अलग बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो जो गुप्त काल है उसको सही ढंग से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं नंबर एक बिंदु के ऊपर, और नंबर एक बिंदु है वो है गुप्त काल का परिचय। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो जानकारी के स्रोत हैं उनके बारे में। तो गुप्त काल के अगर परिचय की बात करें तो होता क्या है कि भारत में जब मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जब मौर्योत्तर काल का पतन हो रहा था, या मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो कुषाणों का शासन था, और कुषाणों के पतन के बाद होता क्या है कि जो उत्तर भारत है उसमें क्या है, छोटे छोटे राजवंशों का और गणतंत्रों का विकास होता है। छोटे छोटे राजवंश आते हैं और गणतंत्र विकसित होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम देखें तो अर्जुनायन है, योद्धे है, मालव है, सीवी है, ये ऐसे राजवंश थे जो उत्तर भारत के अंतर्गत इनका विकास होता है या फिर इन लोगों की शासन सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, और कुछ जैसे दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण में क्या है, इक्ष्वाकु वंश है, आबीर है, आबीर वंश है। पश्चिमोत्तर भारत की बात करें तो वहां पर अभी भी शकों के अवशेष बचे हुए हैं, यानी कुछ कुछ जगह के ऊपर शक शासन स्थापित कर रखे हैं। वाकाटकों का साम्राज्य है अभी भी। ठीक है, तो ये शक्तियां उस समय क्या है, जब गुप्त शक्ति का उदय होता है उस समय इनका भारत में अलग अलग जगह के ऊपर शासन स्थापित था। ठीक है, तो इसी समय क्या होता है कि पाटलिपुत्र के अंतर्गत, पाटलिपुत्र को केंद्र बना करके गुप्त वंश का या गुप्त काल का उदय होता है। ठीक है, यानी भारत के अन्य भागों की बात करें तो अर्जुनायन, योद्धे, मालव, सीवी और इक्ष्वाकु वंश, आबीर, शक, कुषाण, ये क्या है, छोटी छोटी शक्तियों के रूप में भारत में अलग अलग फैले हुए हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि पाटलिपुत्र को केंद्र बना करके जो कभी मौर्य साम्राज्य का केंद्र होता था उसको नया केंद्र बना करके एक नए वंश की शुरुआत होती है, और वो वंश कौन सा है, गुप्त वंश। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं जो गुप्तों के बारे में हमें जानकारी के स्रोत हैं, या ये इनके बारे में जो अलग अलग मत देखने को मिलते हैं कि ये ब्राह्मण थे, कोई कहता है क्षत्रिय हैं, कोई कहता है वैश्य हैं, तो इनके संबंध में, उत्पत्ति के संबंध में जो अलग अलग मत हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ये था सामान्य परिचय, और अब हम देखते हैं उत्पत्ति के। उत्पत्ति संबंधित विभिन्न मत, ठीक है, और उत्पत्ति संबंधित विभिन्न मतों के अंतर क्या है कि इतिहासकारों ने जो इनके संबंधित जो साक्ष्य मिले, चाहे वो पुरातात्विक हों या फिर साहित्यिक स्रोत हों, उनको आधार बनाकर क्या है, इनके वर्ण को निर्धारित करने की कोशिश की गई है।
तो नंबर एक की अगर बात करें तो वो है काशी प्रसाद जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल, ठीक है। और जो काशी प्रसाद जायसवाल हैं, इन्होंने क्या है, और ये कहते हैं कि ये पंजाब के निवासी थे, ठीक है। गुप्तों को क्या है, जाट कहा है, और ये कहते हैं कि जो गुप्त हैं वो पंजाब के निवासी थे। और इनका जो मत है उसका आधार क्या है, कौमोदी महोत्सव में जो चंड सेन नामक व्यक्ति का वर्णन मिलता है, और चंड सेन को यहाँ पर कारस्कर कहा गया है, ठीक है। और इनका मानना है कि जो कारस्कर नाम के जाति है ये क्या है, पंजाब में निवास करती थी, पंजाब में निवास करती थी। इस आधार पर क्या है कि काशी प्रसाद जायसवाल हैं वो कहते हैं कि जो गुप्त शक्ति है उसका मूल निवास स्थान या इनका जो वर्ण है वो जाट था, और ये पंजाब के निवासी थे, और ये आधार बनाते कौमुदी महोत्सव के अंतर्गत जो चंड सेन नामक व्यक्ति है उससे इसका संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो विद्वान हैं वो इस मत को ज़्यादा समर्थन नहीं देते हैं, ठीक है। नंबर दो की अगर बात करें तो दो के अंतर्गत है गौरी शंकर ओझा का मत, गौरी शंकर ओझा इनका मत है, और गौरी शंकर ओझा क्या है, इनको क्षत्रिय मानते हैं, ठीक है। नंबर दो का मत है वो है गौरी शंकर ओझा का, और गौरी शंकर ओझा है जो गुप्तों को क्या है, क्षत्रिय मानता है। और इसके पीछे कारण क्या है, कारण यह है कि जो गुप्तों के परवर्तीकालीन अभिलेख हैं, यानी गुप्तों के परवर्ती अभिलेख, उसमें क्या है, गुप्तों को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है। इस आधार पर क्या है, गौरी शंकर ओझा कहते हैं कि गुप्त हैं वो क्या है, क्षत्रिय हैं, ठीक है। आगे एक और विद्वान है राय चौधरी, राय चौधरी इनका मत है कि ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वर्ण के थे, और मत है राय चौधरी का। और उसके पीछे कारण को अगर देखा जाए तो जो पुष्यमित्र सुंग है उसकी जो पटरानी थी या उसकी जो मुख्य रानी थी उसका जो धारण गोत है उससे इनका संबंध जोड़ने का प्रयास किया गया है, ठीक है। राय चौधरी कहते हैं कि जो गुप्तों का धारण गोत्र को आधार बनाया, और ये क्या है कि ये पुष्यमित्र शुंग की पटरानी, जो पुष्यमित्र शुंग की पटरानी है और उसको धारणी नाम दिया गया है, धारणी से इसका संबंध स्थापित किया गया है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग था वो क्या था, ब्राह्मण था, और पत्नी के साथ में इनका संबंध स्थापित करके इनको क्या है कि ब्राह्मण घोषित करने की यहां पर कोशिश की गई है। एलन और अल्तेकर दो और विद्वान हैं, एलन एवं अल्तेकर, ये क्या है, इनको वैश्य, ठीक है। एलन और अल्तेकर महोदय हैं वो क्या है, गुप्तों को वैश्य मानते हैं, और इसके पीछे कारण क्या है कि जो गुप्त शासक हैं उनके उत्तरांश में गुप्त शब्द लगता है, और गुप्त क्या है, गुप्त शब्द क्या है, वैश्यों के नाम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इस कारण से क्या है इनको वैश्य माना गया है इनके अनुसार,
यानी जो वैश्यों के नाम, वैश्यों के उत्तरांश में गुप्त शब्द लगा रहता है, इस कारण से क्या है कि ये लोग वैश्य थे, ठीक है। और ज्यादातर मत जो ज्यादातर विद्वान है वो क्या है, गुप्तों को वैश्य ही मानते हैं। यानी अगर अधिकांश विद्वानों का मत देखें तो वो क्या है, इनको वैश्य ही मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने उत्पत्ति से संबंधित चर्चा की गुप्तों के बारे में, और जो विभिन्न मत हैं उनके बारे में देखा। सबसे पहले हमने देखा काशी प्रसाद जायसवाल का मत, और इसके अनुसार क्या है कि ये लोग जाट हैं, पंजाब के निवासी हैं, और कौमुदी महाउत्सव के अंतर्गत जो चंड सेन नामक व्यक्ति का वर्णन किया गया है, और चंड सेन को यहाँ पर कारस्कर कहा गया है, ठीक है। और ये कारस्कर क्या है, पंजाब में निवास करने वाली जाति होती थी, इस कारण से क्या है इनको पंजाब से संबंधित करने की कोशिश की गई है, और जाट जाति इनकी निर्धारित करने की कोशिश की गई है, ठीक है। आगे अगर देखें तो जो गौरीशंकर ओझा है उनके मत को देखें तो ये इनको क्षत्रिय मानते हैं, ठीक है, गौरीशंकर ओझा। और क्षत्रिय मानने का कारण क्या है कि जो प्रवर्ती अभिलेख हैं गुप्त शासकों के, उसमें क्या है कि इनको चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है, ठीक है। एक और विद्वान है राय चौधरी, और राय चौधरी ने गुप्तों को क्या है, ब्राह्मण माना है। और ब्राह्मण मानने के पीछे क्या है कि गुप्तों का जो धारण गोत है, ठीक है, और पुष्यमित्र सुंग की जो पटरानी है या उसकी मुख्य रानी है वो धारणी नाम से उसको जाना जाता था, इस कारण से क्या है इन दोनों का संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई है, ठीक है। और एक और मत है उत्पत्ति से संबंधित, वो है एलन और अल्टेकर का, और इनके अनुसार क्या है कि जो गुप्त हैं वो क्या है, वैश्य हैं। कारण क्या है कि वैश्य अपने नाम के उत्तरांश में क्या है, गुप्त शब्द लगाते हैं, और इस कारण से क्या है जो गुप्त वंश के शासक हैं वो भी क्या है, वैश्य ही थे, ठीक है। तो ये थे उत्पत्ति से संबंधित मत, और इसमें क्या है जो एलन और अल्टेकर का मत है जिसके अंतर्गत गुप्तों को वैश्य माना गया है उसके ऊपर ज्यादातर विद्वान सहमत हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्रमुख शासक और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, शासक और उनकी उपलब्धियां। तो शासकों के अंतर्गत अगर देखें गुप्त काल के प्रमुख शासकों के अंतर्गत, तो सबसे पहले संस्थापक की अगर चर्चा करें तो गुप्त काल के संस्थापक माने जाते हैं संस्थापक श्री गुप्त, ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है श्री गुप्त का। और श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की, ठीक है, संस्थापक हैं श्री गुप्त और ये उपाधि धारण करते हैं श्री गुप्त की, ठीक है। इससे ज्यादा इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। और इसके बाद में क्या है कि कठोत्कच, कठोत्कच ये शासक होते हैं और ये भी क्या है महाराज की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने बात की संस्थापक के बारे में, और गुप्त वंश का संस्थापक है श्री गुप्त, ठीक है, महाराज की उपाधि धारण करता है, उसके बाद में कठोत्कच शासक आता है और ये भी क्या है महाराज की उपाधि धारण करता है, ठीक है। आगे हम आते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण शासक हैं इनके बाद में उनके बारे में, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, श्री गुप्त और कठोत्कच के बाद में जो अगले शासक हैं वो हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं, ठीक है, और वहां से फिर क्या है अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, ठीक है। और साम्राज्य विस्तार की अगर बात करें तो इनके शासन के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश का भूभाग सम्मिलित था, ठीक है, यानी बिहार के क्षेत्र के ऊपर ये अधिकार स्थापित करते हैं और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसके ऊपर अधिकार स्थापित करते हैं। और इस रूप में इनको क्या है गुप्त शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया है, गुप्त शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया है। और ये एक उपाधि धारण करते हैं, उपाधि का नाम है महाराजाधिराज, ठीक है, ये इनकी उपाधि होती है चंद्रगुप्त प्रथम की। आगे अगर इनके बारे में चर्चा करें तो इनका जो राज्यारोहण है उसके समय इन्होंने एक संवत की स्थापना की और वो संवत है गुप्त संवत, यानी राज्यारोहण 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना करते हैं, गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के समय में गुप्त संवत की स्थापना होती है, ठीक है। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में इनका विवाह होता है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी इनको साम्राज्य विस्तार करने में सहूलियत मिली होगी और इनका साम्राज्य मजबूत हुआ होगा। और हमने बात की कि इस तरीके से ये करते क्या हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश तक के भूभाग को अपने अधीन में कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, और चंद्रगुप्त प्रथम क्या करता है पाटलिपुत्र को केंद्र बना करके साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करता है, और विस्तार के अंतर्गत क्या है बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेता है। वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है, और राज्यारोहण के समय 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना करता है, ठीक है। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में इनका विवाह होता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी जो इनकी रानी है इनके सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि इनका विवाह होता है, ठीक है। आगे जो अगले शासक हैं उनके बारे में देखते हैं, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक आता है वो है समुद्रगुप्त, ठीक है। गुप्त शक्ति का शक्तिशाली शासक है, विस्तारवादी नीतियों के कारण जाना जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। समुद्रगुप्त की अगर समय की बात करें तो 335 से 375 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहता है, 335 ईस्वी से 375 ईस्वी ये इनके शासन काल का समय रहता है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में ये शासक बनते हैं, और जो समुद्रगुप्त है इसके समय एक कांच नामक शासक का उल्लेख होता है, कांच नामक शासक का उल्लेख मिलता है,
ठीक है। तो ये जो कांच नामक शासक हैं, कुछ विद्वानों ने तो समुद्रगुप्त को ही कांच नामक शासक माना है, और कुछ विद्वान हैं जो ऐसे कहते हैं कि कांच अलग थे और समुद्रगुप्त अलग हैं। तो ये थोड़ा सा विवाद का विषय है। जैसे मान लीजिए कि जैसे स्मिथ हैं, फ्लीट हैं, ऐसे विद्वान क्या हैं, ये कहते हैं कि कांच है जो समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने उनको अलग शासक के रूप में देखा है, और कुछ का मानना है कि समुद्रगुप्त और कांच के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध को उत्तराधिकार को लेकर भी संघर्ष होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की जो विजय हैं उनके बारे में, ठीक है, क्योंकि समुद्रगुप्त की पहचान इसकी विजयों के कारण ही होती है। विजयों के बारे में बात करें तो इनकी विजयों का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है प्रयाग स्तंभ लेख से। प्रयाग स्तंभ लेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है, और ये लिखा गया था हरिसेन द्वारा, इनके दरबारी हैं हरिसेन, उनके द्वारा लिखा गया था। और चंपू शैली के अंतर्गत ये लेख लिखा हुआ है, ठीक है। गद्य और पद्य मिश्रित शैली का उदाहरण है जो प्रयाग प्रशस्ति है या प्रयाग अभिलेख है वो, और उसी के माध्यम से क्या है हमें समुद्रगुप्त के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है, ठीक है। अब अगर प्रयाग स्तंभ लेख के अनुसार जो समुद्रगुप्त की विजय है उनको क्या है हम अलग अलग बिंदु के आधार पर देखते हैं कि पहले उन्होंने कहां पर विजय हासिल की, उसके बाद में कहां पे की। तो सबसे नंबर एक की अगर बात करें विजयों की तो वो है आर्यावर्त की विजय। नंबर एक के अंतर्गत समुद्रगुप्त क्या करते हैं, आर्यावर्त की विजय करते हैं, ठीक है। और ये आर्यावर्त से यहां पर तात्पर्य है कि जो उत्तर भारत और पश्चिमोत्तर भारत का जो हिस्सा है उसकी विजय हासिल करते हैं। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, लगभग 12 शासकों को हराते हैं, 12 शासकों को पराजित करते हैं, ठीक है। और 12 के अंतर्गत 9 को एक बार और 3 को एक बार पराजित करते हैं, करते हैं, ठीक है। आर्यव्रत की विजय हासिल करते हैं, और इसके अंतर्गत क्या है कि जो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है उसमें कहा गया है कि ये जो 12 शासक हैं इनका ब्लात उन्मूलन करके, ब्लात उन्मूलन करके अपने साम्राज्य में मिला लिया गया, अपने साम्राज्य मिला लिया गया, ठीक है। यानी उनके ऊपर, इन छोटे छोटे शासकों के ऊपर क्या है समुद्रगुप्त की विजय होती है, और विजय के उपरांत क्या है उनको डायरेक्ट अपने शासन के अंतर्गत ले लिया जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो दूसरी जो विजय है वो है दक्षिण की। दूसरी जो महत्वपूर्ण विजय है वो है दक्षिणापथ की विजय। और दक्षिणापथ की विजय के अंतर्गत हम अगर बात करें तो यहां क्या करता है समुद्रगुप्त दक्षिण के राज्यों के ऊपर उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लेता है, और अधिकार क्षेत्र में लेने के बाद में क्या है उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद में उनको उनका राज्य सौंप देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की नीति का पालन किया जाता है। इस नीति के अंतर्गत होता क्या है कि जैसे समुद्रगुप्त ने
दक्षिण के राज्यों को जीता और फिर लौटा दिया, ठीक है। और शर्त के साथ में इन चीजों को लौटाया जाता था कि जैसे मान लीजिए कि आप वहां से मुझे टैक्स भेजोगे और समय समय के ऊपर जो सम्मान मेरे प्रति होना चाहिए उसका पालन करोगे, जो गुप्त वंश की मुद्रा है उसका संचालन आपके राज्य में होगा। तो इस तरीके से क्या है, ये जो ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की नीति के आधार पर क्या है, दक्षिण के जो क्षेत्र हैं उनको जीतता है और फिर वापस उनको लौटा देता है, और कुछ शर्तों के आधार पर ऐसा किया जाता है, ठीक है। जैसे इतिहासकार है राय चौधरी, वो कहते हैं कि ये एक तरह की धर्म विजय थी, ठीक है, धर्म के आधार पर उनको जीतता है और फिर लौटा देता है। आगे अगर बात करें तो आर्यावर्त की विजय और दक्षिणापथ की विजय के बाद में क्या है, तीसरी जो महत्वपूर्ण विजय है वो आठविकों पर विजय। और आठविकों से तात्पर्य यह है कि जो गाजीपुर से जबलपुर तक या गाजीपुर से जबलपुर के बीच में जो जंगली जातियां रहती थी उन पर विजय हासिल करता है, उन पर विजय हासिल करता है, ठीक है। तीसरी विजय के अंतर्गत आठविकों के ऊपर विजय हासिल करता है। और इसके अंतर्गत पर्याप्त प्रशस्ति में कहा गया है कि इनको क्या है, अपना सेवक बना लेता है, इन जातियों को क्या है, अपना परिचारक बना लेता है या सेवक के रूप में इनसे कार्य करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, आठविकों की जीत के बाद में जो सीमावर्ती राज्यों पर विजय, ठीक है, जो पड़ोसी राज्य थे या सीमाओं से जुड़े हुए राज्य थे उनके ऊपर विजय हासिल करता है। और इनके अंतर्गत हम बात करें तो जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी प्रयाग प्रशस्ति में पांच संख्या के तौर पर पांच संख्या मिलती है। जैसे नंबर एक की बात करें तो नंबर एक है समतट, और समतट की बात करें तो ये जो बांग्लादेश का क्षेत्र है या बंगाल वाला भूभाग है उसके बारे में उल्लेख मिलता है, पूर्वी बंगाल या अभी का जो बांग्लादेश है उसको यहां पर क्या बोला गया है, समतट, यानी सबसे पहले वो सीमावर्ती राज्यों के अंतर्गत समतट पर अधिकार करता है या समतट की विजय हासिल करता है। उसके बाद में दवाब नंबर दो के अंतर्गत, और दवाब के अंतर्गत अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो आसाम है, आसाम वाला भूभाग इसके अंतर्गत आता था, ठीक है। और आसाम के अंतर्गत भी अभी का जो नवगांव क्षेत्र है, नवगांव, उसकी जीत हासिल करता है। नंबर तीन की बात करें तो तीन के अंतर्गत कामरूप से तात्पर्य जैसे मान लीजिए गुवाहाटी के आसपास का या आसाम का जो क्षेत्र है उसकी विजय हासिल करता है। असम पर जीत या असम की जीत हासिल करता है। उसके बाद में कृतपुर, नंबर चार में कृतपुर, और ये कृतपुर जालंधर, पंजाब के अंतर्गत जो जालंधर है और वहां भी करतारपुर एक जगह है उस पर वो विजय हासिल करता है, यानी जालंधर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको वो पराजित करता है, ठीक है। और एक
और विजय हासिल करता है सीमावर्ती राज्यों के अंतर्गत, नंबर पांच की वो है नेपाल, यानी नेपाल के ऊपर भी समुद्रगुप्त क्या है विजय हासिल करता है। तो यहाँ पर हमने देखा समुद्रगुप्त की जो विजय यात्रा है उसके अंतर्गत सबसे पहले वो आर्यावर्त के जो 12 राज्य हैं, छोटे छोटे राजवंश हैं, उनको पराजित करता है और सीधा अपने केंद्र के नियंत्रण में ले लेता है। ठीक है, उसके बाद में वो क्या करता है कि दक्षिणापथ की विजय हासिल करता है और दक्षिणापथ की विजय के अंतर्गत क्या करता है उनको जीतता है और फिर वापस राज्य कुछ शर्तों के आधार पर लौटा देता है। तीसरे जो इसकी विजय है उसकी बात करें तो वो है आठविकों की विजय। आठविकों की विजय की बात करें तो जो अभी का मतलब छत्तीसगढ़ के आसपास का और कुछ मध्य प्रदेश और बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जो पहले जंगलों से गिरे हुए थे उनके ऊपर अधिकार स्थापित करता है और वहाँ की जो जंगली जातियाँ थी उनको अपना सेवक बना लेता है। ठीक है, नंबर चार की अगर बात करें तो चार के अंतर्गत सीमावर्ती राज्य हैं जैसे समतट है, डवाक है, कृतपुर है, नेपाल है और कामरूप है, इनकी वो विजय हासिल करता है। और इसके बाद में क्या है जब इतना बड़ा साम्राज्य उसका हो जाता है तो फिर वो अगली जो उसके विस्तार की नीति होती है या फिर उसका ध्यान जाता है विदेशी संबंधों के ऊपर, तो इसके बाद में हम देखते हैं विदेशी शक्तियों से संबंध, विदेशी शक्तियों से संबंध। ठीक है, विदेशी शक्तियों के साथ में संबंध स्थापित करता है और उनके ऊपर एक तरीके से आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करता है। और अगर यहाँ पर विदेशी शक्तियों की बात करें तो हमें यहाँ पर कुषाण, शक, मुरुंड, सिंहली, शक हैं उस समय की जो शक्तियां होती थी आसपास की उनके बारे में, और इसके अंतर्गत शक हैं, मुरुंड हैं, सिंहली हैं और कुषाण हैं, तो इनके साथ में क्या है वो संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। और संबंध की जो शर्तें होती हैं उसकी अगर बात करें तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें वर्णन मिलता है कि राजा की सेवा में उपस्थित होना, यानी ये शर्तें हैं जिसके आधार पर विदेशी संबंध स्थापित किए गए थे, राजा की सेवा में उपस्थित होना। नंबर दो की अगर बात करें तो दो के अंतर्गत कन्याओं के उपहार, नंबर तीन के अंतर्गत गरुड़ मुद्रा को अपनाना। ठीक है, यानी ये शर्तें जो विदेशी शासकों के संबंध शासकों से जो संबंध स्थापित किए जा रहे थे जैसे कुषाण हैं, शक हैं या फिर मुरुंड हैं, इनके साथ में क्या है श्रीलंका के शासक हैं, इनके साथ में क्या है कि आप समय समय के ऊपर समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होंगे, वहाँ से आप कन्या भेज करके मतलब राजा की सेवा के लिए या रानी बनाने के लिए कन्या भेजोगे और जो समुद्रगुप्त की या गुप्त वंश की जो मुद्रा है गरुड़ मुद्रा उसका प्रचलन अपने शासन के अंतर्गत भी करोगे या अपने क्षेत्र में भी उस मुद्रा को आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर कुषाण शासकों की बात करें तो कुषाणों के अंतर्गत यहाँ किदार नामक शासक का उल्लेख है जिसके साथ में समुद्रगुप्त के संबंध स्थापित होते हैं। ठीक है,
शक शासकों की बात करें तो शकों का जो उस समय शासन था वो काठियावाड़ के आसपास सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है, गुजरात के अंतर के गुजरात के आसपास का क्षेत्र वहां पर था। और वहां के शासक की बात करें तो उस समय रुद्र सिंह तृतीय शासक था, जिसके साथ में ये संधि स्थापित होती है या संबंध बनाए जाते हैं। मुरुंड के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। और सिंगली शासक के बारे में अगर बात करें तो एक शासक है मेघवर्मन, और ये मेघवर्मन क्या है, गया के अंदर बौद्ध मंदिर बनाने के लिए क्या है, समुद्रगुप्त से अनुमति मांगता है, ठीक है, और अनुमति दी जाती है और वहां पर क्या है एक भव्य विहार बना करके ये देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा विदेशी शक्तियों के साथ में जो समुद्रगुप्त के संबंध हैं उनके बारे में, और यहां पर जो विदेशी संबंध स्थापित हो रहे हैं वो कुषाणों के साथ में, शासक है किदार, शक शासक हैं रुद्र सिंह तृतीय, मुरुंडों के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं है, और सिंहली शासक हैं मेघवर्मन जो गया के अंदर बौद्ध मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगते हैं, ठीक है। और इनके साथ में जो संबंध स्थापित किए गए थे वो कुछ शर्तों के आधार पर थे, और शर्तों की अगर बात करें तो समय समय पर राजा के दरबार में या समुद्रगुप्त के दरबार में इनको उपस्थित होना था, कन्याओं के उपहार के रूप में देना, और गरुड़ मुद्रा को जो विदेशी राज्य हैं इनके दरबार में अपनाना, ठीक है। तो ये होते थे संबंधों के आधार, ठीक है। और इस तरीके से क्या है, समुद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है, और विसेंट स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहता है, ठीक है। आगे अगर देखें तो जब इतना बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित कर लेता है और लगातार विजय रथ चलता रहता है, तो फिर इसके उपलक्ष में क्या है, समुद्रगुप्त क्या है, अश्वमेध यज्ञ करता है, ठीक है। अपनी विजय यात्रा लगातार चलती रहने के उपरांत अश्वमेध यज्ञ करता है, और ये जो अश्वमेध यज्ञ करता है इसकी जानकारी उसके जो सिक्के हैं अश्वमेध प्रकार के सिक्के उनसे हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। यानी सिक्कों से ऐसा पता चलता है कि उसने यह अश्वमेध यज्ञ किया, क्योंकि सिक्कों के ऊपर क्या है, जो यज्ञ के जो यूप होते हैं या यज्ञ यूप, उनके चित्र अंकित हैं, और साथ में क्या है, इनकी जो पटरानी है दत्त देवी, उनके भी समुद्रगुप्त और दत्त देवी का अंकन भी उनके ऊपर सिक्कों के ऊपर मिलता है, ठीक है। और जो सिक्के इन्होंने चलाए थे अश्वमेध प्रकार के, उनके ऊपर अश्वमेध पराक्रम अंकित है, ठीक है। अश्वमेध जो समुद्रगुप्त के सिक्के हैं अश्वमेध प्रकार के, उनके ऊपर अश्वमेध पराक्रम अंकित है, यज्ञ यूप के चिन्ह मिलते हैं, और साथ साथ में जो इनकी रानी है दत्त देवी उसकी आकृति भी वहां पर देखने को मिलती है। आगे अगर समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो इनको कविराज की उपाधि दी गई है, कविराज की उपाधि दी गई है, ठीक है। यानी ये क्या है, जो कवि और लेखक इस तरह के लोग होते थे उनका आदर करते थे, दरबार में उनका सम्मान करते थे।
सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वीणा वादन के प्रेमी थे, वीणा वादन प्रेमी इस रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, कविराज की उपाधि दी गई है, वीणा वादन प्रेमी इनको कहा गया है। और इनके दरबार में वसुबंधु दरबारी के रूप में रहते थे, जो काफी जाने माने विद्वान थे वसुबंधु। ठीक है, आगे अगर समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में बात करें, समुद्रगुप्त कालीन सिक्के, तो सिक्के बात करें तो एक के बारे में हमने अभी चर्चा की है, वो है अश्वमेध प्रकार। ठीक है, नंबर एक का हो गया अश्वमेध प्रकार। नंबर दो की बात करें तो वो है धनुर्धारी, धनुर्धारी प्रकार। नंबर तीन है परशुराम प्रकार। नंबर चार की बात करें तो वो है व्याघ्र हनन प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार। ठीक है, नंबर पांच की अगर बात करें तो वो है वीणा वादन, वीणा वादन प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, इनके सिक्कों के प्रकार थे। और एक और है गरुड़ प्रकार, ये छह प्रकार के सिक्के इनके समय प्रचलित थे, जो जिनके ऊपर अलग अलग प्रकार की आकृतियां या अंकन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गरुड़ प्रकार की बात करें तो गरुड़ प्रकार के जो सिक्के हैं उनके ऊपर गरुड़ की आकृति अंकित थी, और ये इनकी एक तरीके से राजकीय मुद्रा भी थी, गुप्तकाल की राजकीय मुद्रा के रूप में भी इसको जाना जाता था। ठीक है, धनुर्धारी की अगर बात करें तो धनु बाण लिए हुए इसके अंतर्गत दिखाया गया है। परशुराम की अगर बात करें तो इसमें परशु धारण किए हुए इसके अंतर्गत दिखाया गया है। और अश्वमेध प्रकार की जो सिक्के हैं उसके अंतर्गत अश्वमेध प्रकार का जो यज्ञ होता है उसको दिखाया गया है। व्याघ्र हनन के अंतर्गत जो बाघ है उसका शिकार करते हुए दिखाया गया है। और अगर वीणा वादन की चर्चा करें तो इसमें जो समुद्रगुप्त का वीणा वादन प्रेम है उसका अंकन इसके अंतर्गत दिखाया गया है। ठीक है, तो आज के कक्षा कार्यक्रम में इतना ही, अगले बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंतर्गत। धन्यवाद।